डेली प्याज रोटी वाली चुड़ैल की कहानी। दिल्ली में नीरव नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक ढाबा चलाता था। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, इसीलिए ज्यादातर लोग वहाँ आकर खाते थे। उस ढाबे के सामने ही माल्या नाम के व्यक्ति ने भी एक ढाबा खोला था, लेकिन माल्या का खाना बेकार था, इसलिए लोग वहाँ आते नहीं थे। इसीलिए माल्या हमेशा नीरव से लड़ता रहता था, लेकिन नीरव उसकी परवाह नहीं करता था। एक दिन माल्या ने अपने दोस्त बिज्जू को नीरव के बारे में बताया। तब बिज्जू, अरे यार मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी क्या है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, इसका नाम जादू है, वो सब ठीक कर देगा, पर यार इसके लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, तुम्हें मंजूर है ना? तब माल्या ठीक है कहकर मान गया। यूं दोनों मिलकर जादू के पास गए। वहां जाकर माल्या ने जादू को कहा किसी भी तरह नीरव को हराना है। जादू उसके लिए मान गया और फिर उन दोनों को अंदर एक रहस्यमय कमरे में ले गया। उसमें कई बोतलें थीं और उनमें कई किस्म के भूत और चुड़ैल थे। वो सब दिखाकर जादू उन दोनों से, देखा इन बोतलों में कई किस्म के भूत और चुड़ैल बंद हैं। मैं एक मांत्रिक के पास काम करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं भोग विलास का आदि हूँ तो उसने मुझे भगा दिया। मैंने जो थोड़ी बहुत विद्या सीखी उससे इन भूतों और चुड़ैलों को कैद कर लिया बोतलों में। अब मैं इन्हें बेचता हूँ और किराए पर भी देता हूँ। मैं ये समझ गया कि तुम चाहते हो कि नीरव लोगों के सामने बदनाम हो जाए और साथ साथ उसके मन में डर भी पैदा हो जाए, तो इसके लिए इस चुड़ैल को ले जाओ जो बूढ़ी है। ये अपने पिछले जन्म में अपने बहू को बहुत परेशान करती थी। अपने बहू को इसने बहुत टॉर्चर किया है। जब ये मरने वाली थी तो इसके बहू ने इसे श्राप दिया, इसीलिए मरने के बाद ये बुढ़िया चुड़ैल बनकर रह गई। ये हमेशा अपने बहू से जैसे पूछती थी, अरे से पूछती है रोटी प्याज रोटी प्याज। अगर इसे किसी ने रोटी प्याज नहीं दिया ये उन्हें डराती रहती है। अब इस चुड़ैल का किराया है एक दिन का 1000 रुपए। बोलो मंजूर है? माल्या उसके लिए मान गया। उसके बाद जादू ने उस बोतल में बंद चुड़ैल को माल्या के हाथ में दिया। उस बोतल को लेकर माल्या अपने ढाबे के पास गया और वहां जाकर उसने एक मंत्र पढ़ा और बोतल का ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही वो चुड़ैल बोतल से बाहर निकली। अब उस चुड़ैल से माल्या, वो सामने जो ढाबा है ना नीरव का, वहां बहुत बढ़िया प्याज और रोटी मिलती है, जाओ मुफ्त में खाओ, अगर उसने नहीं दिया तो उसके ढाबे का सर्वनाश कर देना। यूं कहते ही वो चुड़ैल नीरव के पास गई और नीरव से उसने रोटी प्याज मांग की। उस बुढ़िया को देखकर उस पे तरस खाकर नीरव ने उसे रोटी और प्याज दिया। यूं वो चुड़ैल हर रोज जाने लगी और नीरव उसे रोटी और प्याज देने लगा। लेकिन एक दिन जब वो चुड़ैल वहाँ गई तब तक रोटी खत्म हो चुकी थी। तब उस चुड़ैल को गुस्सा आया। वहाँ रखे सारे बर्तनों को उसने हवा में उठाया और वहाँ बैठे लोगों के ऊपर फेंकने लगी। ये देखकर डर के मारे लोग वहाँ से भागने लगे। नीरव हैरान होकर वहीं खड़ा ये सब देखने लगा। इतना ही नहीं, वो रास्ते में जाने वाले गाड़ियों को रोककर कार वालों से भी रोटी मांगने लगी। जब वो रोटी नहीं देते तो उनके गाड़ियों को हवा में उठाती और दूर फेंक देती। इस तरह लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि नीरव के ढाबे के पास एक चुड़ैल घूमती रहती है। सबने उस तरफ जाना बंद कर दिया। ये देखकर नीरव बहुत दुखी हुआ। फिर मंदिर में रहने वाले अपने गुरु के पास गया। तब गुरु जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने जादू और माल्या के बारे में सब कुछ बताया और फिर नीरव को समझाया कि उसे क्या करना चाहिए। यूं नीरव अपने ढाबे पर गया। थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया चुड़ैल वहां पहुंची। उसने नीरव से रोटी और प्याज की फरमाइश की। तब नीरव ने उसे एक रोटी और प्याज दिया। फिर उस चुड़ैल से नीरव, अरे दादी माँ देखो, इस दुनिया के सारे रोटियां खत्म हो चुकी हैं। अब रोटियां सिर्फ माल्या और आपको जिस जादू ने भेजा उन दोनों के पास ही बची हैं। अब मेरे पास आना बेकार है, मेरे पास रोटियां नहीं है। अब उन दोनों से ही मांगो, सारी रोटियां उन्हीं के
के पास है। यूं कहते ही वो बुढ़िया चुड़ैल ठीक है कहकर वहाँ से चली गई। फिर माल्या के घर जाकर उसे रोटियां मांगने लगी। जब माल्या ने उसे रोटी नहीं दिया तो घर के सारे बर्तनों को बाहर फेंका और उसने माल्या को डराया। ये देखकर डर के मारे माल्या जादू के पास भागा। थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया चुड़ैल उन दोनों के पास पहुंची और फिर उनसे रोटियां मांगने लगी। जब उन्होंने रोटियां नहीं दी तो वहां रखे सारे बोतलों को उसने तोड़ डाला। तब उन बोतलों में बंद सारे भूत और चुड़ैल बाहर निकले और जादू से अपनी अपनी फरमाइश करने लगे। ये देखकर जादू, अरे यार ये तो पासा पलट गया, ये किसी ने नहले पे दहला मारा है, अब ये सारे भूत और चुड़ैल हमें मार डालेंगे। अगर जिंदा रहना है तो इस गांव को छोड़कर हमें भागना होगा, अगर यहीं रहे तो हम मर जाएंगे, कहकर जादू वहां से भाग गया। तब डर के मारे माल्या भी अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग गया।